उनके रास्ते ही पहुँचेंगे मंजिल तलक आप समा उन्हें इबादत से वो रहमतें नाजिल नहीं होती जो आपस के इत्तेफाक और इज्तिमाइयत से नाजिल होती और इबादत की कसरत से वो फितने और परेशानियां कभी दूर नहीं होती जो इफ्तराक की वजह से नाजिल होती ऐसा मदद है चाहे तुम्हारी नमाजें जिक्र तिलावत आज तक पहुंच जाए अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाए लेकिन अगर आपस में इज्तिमाइयत नहीं है तो अल्लाह तुमसे नाजिल नहीं ये तमाम फितनों के आने के असबाब में सबसे बड़ा सबक वो आपस का इख्तिलाफ है तो इन फितनों को रोकने और इज्तिमाइयत को पैदा करने वाला अमल सबसे ऊंचा अमल होगा ये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते कि कई आपस में इख्तिलाफ हो गया तो आप खुद तशरीफ ले जाते और उनके दरमियान सुलह कराते लेकिन लोग सुलह की शराइत को जानते नहीं सुलह कराने का शौक बहुत सब होता है तो आप हम सुलह कराते हैं सुलह कराने वाले में मुदाहनत अगर है तो वो सुलह नहीं करा सकते इसलिए कि इख्तिलाफ होते हैं दो किस्म के एक इख्तिलाफ होता है दुनिया की चीज पर जरी पर इख्तिलाफ माल पर इख्तिलाफ दुकान पर इख्तिलाफ मकान पर इख्तिलाफ औरतों पर इख्तिलाफ औरतों पर इख्तिलाफ इसमें तो किसी एक फरीक को मनाकर मसले को हल कराना आसान है क्योंकि दुनिया अखीर है इस तरह दुनिया से मुताबिक मसले भी इंतहाई मामूली हैं इंतहाई मामूली ये तो मुश्किल मसला नहीं है अलबत्ता अगर इख्तलाफ हो हक में और दीन की बात में तो इस्लाह करने वाले को सही बात की तहकीक करना उसके जिम्मे लाजिम है वो सही बात की तहकीक किए बगैर अगर इस्लाह कराना चाहेगा दरमियान में तुम्हें कहेगा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो ताकि इस्लाह हो जाए उसको तहकीक करके हक की जानी पहले होना पड़ेगा उसके बाद कोशिश करे इस्लाह अगर वो तहकीक हक के बगैर इस्लाह जाते देंगे का इरादा करेगा तो कामयाब नहीं होगा मैं वो जरूर आदर्श कर रहा हर एक का शौक है कि वो सीधे के आप इख्तलाफ हो रहा है हम साजिश बनते हैं हक की बात में साजिश बनने के लिए दीन की बात में इख्तलाफ को दूर करने के लिए साजिश बनने के वास्ते लाजमी है तो उसको पहले हक की तहकीक हो वरना वो जाएगा कि हक के खिलाफ क्योंकि एक होता है अपना हक एक है दीन का हक अपना हक छोड़ना तो छोड़ने के लिए बड़े सजाए अपना हक छोड़ने के बहुत सजाए बहुत सजाए एक दरख्त पर झगड़ा हो गया साथ में आप नुमाया कि तुम ये दरख्त उनके हवाले कर दो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्तों की जमानत दे दो नबीन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान तुम्हारा चाह के मुझे नबी की तौसीह हो जाए तो कहा ये मकान भेजिए नबी की तौसीह हो जाए क्या नहीं मैं नहीं भेजूंगा कि अच्छा ऐसा करो ये मकान मस्जिद को दे दो अल्लाह के नबी की मस्जिद की तौसीह हो जाए क्या नहीं मैं मस्जिद को नहीं दूंगा मेरा मकान है मस्जिद को हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत में इसके बदल का शामिल हूं ने फरमाया मैं फिर भी नहीं दूंगा जन्नत में तुम इसका बदल ले लीजिए इसकी कीमत दे रहे हो मुझे बेच लीजिए मस्जिद को दे दो मेरा मकान नहीं दे हजरत ने फरमाया शिशी ने तुम मैंने अक्सर بڑے پہاڑ کا تھوڑا سا ٹکڑا آدمی کا اپنا حق ہو لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں
تنازل اختیار کرنا مجاہد ہے. آخر چلو سر دو دن کو سب خوش ہو جائیں گے. اپنے حق میں تنازل تو بڑے فضائل ہیں, لیکن دین کیا, دین کے بارے میں تنازل کر بڑی سخت عزت ہے. اسی لیے سب آتے ہیں هو لا علين لغير الحق اسأله ولا علين لغير الحق اسأله حتى يلين لدرس ما في ظل حجر. النيل جزء حقات ہے, حقات کر کے استقامت کری اللہ کی نے کہا. ولا علين لغير الحق اسأله حتى يلين لدرس ما في ظل حجر. یہ حق کے بارے میں کم نہیں میرا نہیں کر سکتا. حق تو حق, حق تو حق, حق کے بارے میں نرم نہیں کر سکتے. یہ میں حق کے بارے میں کبھی نرم نہیں کروں گا کہ اگر مجھ سے حق کے خلاف مطالبہ کیا گیا تو میں حق کے بارے میں کبھی نرم نہیں کروں گا. یہاں تک کہ ایک سوال